YouTube channel. So here I am back with another very interesting craft video. So today in this video, I am going to show you all how you can make your own paper pencil box in a shape of pencil. Process बहुत ही ज़्यादा interesting है and कुछ भी difficult नहीं है. I hope you all will love this video. So without wasting any more minute, let's start the video. सबसे पहले हम अपना कलर्स डिसाइड कर लेंगे कि किस कलर्स का हमें अपना पेंसिल का बॉडी चाहिए. मैंने यहाँ येलो पेपर सेलेक्ट किया है अपने पेंसिल के बॉडी को बनाने के लिए. सो अब हम अपनी शीट पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे. जितना भी हमारा डायमेंशन होगा पेंसिल के बॉडी का, हम उसी हिसाब से मेजर करके अपना सारा मार्किंग्स कर लेंगे. मैं जो पेंसिल बॉक्स बना रही हूँ उसका शेप हेक्सागोनल रहेगा. So, मैं 6 साइड मार्क कर रही हूँ एंड एक साइड मेरा मार्जिन होगा. अगर आप स्क्वायर शेप का बना रहे हैं तो आप 4 साइड्स भी रख सकते हैं. तो फटाफट से हम अपने फोल्डिंग एजेस को फोल्ड कर लेंगे एंड जो हमारा पेस्टिंग एज होगा वहां पे एक नॉच क्रिएट कर लेंगे. सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पेंसिल के आगे के एज में थोड़ा डिटेलिंग्स रहता है, तो उस डिटेलिंग्स को बनाने के लिए मैं एक स्टेंसिल का यूज कर रही हूँ. स्टेंसिल से ट्रेस करने के बाद हम सारे एजेस को कट कर लेंगे. तो यहाँ हमारा बॉडी बन के रेडी हो चुका है पेंसिल का. सो अब हम अपने पेंसिल के आगे का पोर्शन बनाएंगे, पॉइंटेड पोर्शन. सो उसके लिए भी हमें 6 साइड्स चाहिए होंगे. सो यहाँ मैंने एक स्टेंसिल कट किया है ट्रायंगुलर, जिसका डायमेंशन मैंने रखा है 3 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, 2.8 सेंटीमीटर. अब मैं इसी को 6 साइड्स रख के ट्रेस कर लूंगी एंड मार्जिन ऐड करके अपने टेम्पलेट को कट करके निकाल लूंगी. अगर आपको टेम्पलेट बनाने में कोई भी इश्यूज आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पे टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल है. सारे फोल्डिंग एजेस में हाफ कट मारना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका जो भी फोल्डिंग एजेस होगा वो बहुत ही ज्यादा शार्प नहीं आएगा. सो टेम्पलेट बन जाने के बाद अब हम इसको अपने पेंसिल के बॉडी पे पेस्ट कर लेंगे. तो पेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले तो अपने शेप को पेस्ट कर लेंगे, पिरामिड शेप को. उसके बाद एक एक करके हम सारे साइड्स को अपने पेंसिल बॉडीज में पेस्ट करते जाएंगे. अगर आपको ये क्राफ्ट अच्छा लग रहा है या आपके पास कोई भी सजेशंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए.
सो सारे पार्ट्स बन जाने के बाद अब हम फाइनली अपने पेंसिल बॉक्स के लिए कैप बनाना स्टार्ट करेंगे। सो कैप के लिए जैसा कि वो हमारे पेंसिल बॉक्स के ऊपर आके फिट होगा, सो हम उसका डायमेंशन थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे 3 से, उसका डायमेंशन हम 3.2 रखेंगे। तो सिंपल हेक्सागन शेप बना के हम उसके सारे साइड्स पे जितना हमारे कैप का डायमेंशन रहेगा उस हिसाब से हम अपना टेम्पलेट कट करके पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा पेंसिल बॉक्स बन के रेडी है। फाइनल कुछ डिटेलिंग्स ऐड कर लेंगे हम अपने हिसाब से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो कमेंट डाउन बिलो कि मुझे और क्या ट्राई करना चाहिए पेपर क्राफ्ट में। थैंक यू।